मरकुस रचन सुसमाचार 11 अध्याय का 13 वचन। और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। उसी रास्ते पर देखे बहुत सारे अंजीर के पेड़ है, उसमें पत्ते नहीं थे, लेकिन इस पेड़ के पास आए तो यीशु ने उसको पास पत्ते को देखा, इसलिए यीशु ने सोचा उसमें फल होगा। और एक देखिए, यीशु वहां बहुत सारे फलों को टोकरी में बटोरने के लिए नहीं आया, उसने एक फल को वहां खाने के लिए आया, सिर्फ अपने भूख को मिटाने के लिए यीशु वहां पर आए। वैसे ही देखिए, परमेश्वर हमारा बल से बढ़कर हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। जिससे पांच तोड़े लिए उसके पास पांच, जिससे एक दिए थे उसके पास एक वरदान की प्रतिफल को खोज कर आया। जिसके पास दो वरदान दिए उतने ही प्रतिफल को ढूंढ के यीशु वहां पर आया। हमारे पास जो वरदान दी गई, जो क्षमता है, जो पढ़ाई है, उसी के अनुसार प्रभु प्रतिपल को मांगता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं मांगता। आप कितना पढ़ा लिखे हैं, आप कितना जो है, आपके पास कितना खूबी है, कितने आपके पास वरदान है, उसी के अनुसार परमेश्वर हमसे प्रतिपल को चाहता है, उससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए मेरे प्यारों, एक पेड़ को देखिए, वो पेड़ अपने फल के द्वारा उसको कोई लाभ नहीं मिलती है, दूसरों को लाभ देने के लिए फल देता है। वैसे ही हमारा जीवन में जो प्रभु वरदान दिया है उसके द्वारा हम स्वयं जो है उसमें लाभ नहीं उठाना है, दूसरों के लिए भी लाभदायक जीवन बिताने के लिए हमें कोशिश करना है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, खुद अपने के पैदा के लिए यीशु ने कोई भी अद्भुत चमत्कार नहीं किया। यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए जिया है, और हमारी आशीष के लिए वह अद्भुत काम करते हैं। वैसे ही हमारा जीवन के द्वारा भी हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। परमेश्वर भी आपका जीवन में जो आशीष को आपने खोया, जो बल को आपने खोया, जो आपके पास वरदान नहीं है, उसको फिर से पुनर्निर्माण करके फिर से आपका जीवन में प्रभु बहुतायत से सभी वरदानों को लौटा के दूसरों की जीवन के लिए आशीष का कारण के रूप में प्रभु आपको रखने पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।